नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों का राशिफल 2023 क्या कहता है। सबसे पहले आपको बता दूं, तुला राशि में वे लोग शामिल होते हैं जिनके नाम का पहला अक्षर हिंदी के हिसाब से रा री रू रे रो या ता ती तू ते से शुरू होता है। उदाहरण के तौर पर रेखा, रीना, रामलाल और ता ती तू ते में तारा चंद, तेजमल, ये नाम वाले लोग बाग जो है इनकी तुला राशि होती है। अंग्रेजी के अक्षर से बात करें तो जिनके नाम का पहला अक्षर आर या टी से शुरू होता है, इस नाम के जातक तुला राशि के जातक होते हैं। और आइए बात करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नया साल 2023 आने वाला वर्ष जो है वो कैसा रहने वाला है। अपन अलग अलग पर्सपेक्टिव से होरोस्कोप देखेंगे। नौकरी, व्यवसाय और धन संपत्ति के हिसाब से आपका नया साल 2023 कैसा जाएगा। परिवार और समाज के हिसाब से, विवाह और प्रेम संबंधों के हिसाब से, लव मैरिज, शादी ब्याह और दंपति जीवन के हिसाब से आपका 2023 कैसा रहने वाला है। वहीं तुला भविष्यफल 2023 में आपका स्वास्थ्य, हेल्थ के दृष्टिकोण से आपका साल कैसा जाएगा। शिक्षा और करियर के हिसाब से अगर तुला राशि वाले जातक स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए शिक्षा, एजुकेशन और करियर के हिसाब से साल 2023 में क्या बदलाव, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं या नहीं। यात्रा और स्थानांतरण के हिसाब से साल 2023 कैसा रहेगा। इन सभी पहलुओं पर बातचीत और चर्चा करेंगे। अगर आपका भी नाम आर या टी अक्षर से शुरू होता है, आपका या आपके जान पहचान वाले दोस्त मित्र, आपके प्रेम संबंधों में शामिल लोगों का, आपके परिवार वालों में किसी का नाम अगर आर या टी से शुरू होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। महान ज्योतिषज्ञ और पंडितों के द्वारा ये राशिफल हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों राशिफल की तरफ आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको तुला राशि वाले लोगों के बारे में सामान्य स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ, यानी तुला राशि वाले लोग जिंदगी में आम तौर पर कैसे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, तुला राशि वाले जातकों का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इनका गुण धर्म चर होता है, आकाश तत्व के होते हैं ये, और गुण स्वरूप में तराजू इनका सिंबल होता है। यानी कि तुला राशि वाले जातक अपनी जिंदगी को बैलेंस बनाकर चलना ज्यादा पसंद करते हैं। तुला राशि के जातक प्राकृतिक रूप से उम्दा अदाकार के होते हैं, इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं होता है। इस राशि के लोग इसलिए ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं और ये अक्सर हर किसी के साथ रिलेशन बना लेते हैं जल्द ही। इस राशि के लोगों का मानना होता है कि व्यक्तिगत प्रयास के मुकाबले यदि ग्रुप में प्रयास करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। तुला राशि के जातक सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं। ये विवादों को निपटाने में कुशल होते हैं और इनमें न्याय की गहरी भावना होती है। निष्पक्षता की ये लगन इनकी व्यक्तिगत जरूरत होती है और संघर्ष और टकराव से बचने के लिए। तुला राशि के जातक अपने दिमाग का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना जानते हैं। ये अपने विचारों का दूसरों के साथ संचार करके आनंद लेते हैं। ये दूसरों को बेहतर तरह से जानने के लिए एक उचित तरीका भी अपनाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो तुला राशि के जातकों की लाइफस्टाइल जिंदगी काफी सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड होती है। सबसे बड़ी इनकी कमजोरी है कि तुला राशि के जातकों को बुरे व्यवहार से काफी सख्त नफरत है। ये हमेशा संतुलित, सुखद, सुंदर और काफी आसानी से कार्य करते हैं, साथ ही अपनी इच्छित सफलता के अधिकारी भी बनते हैं। इन लोगों पर अक्सर आलसी होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये केवल इसलिए होता है क्योंकि ये समय पर काम करने के चक्कर में आराम नहीं कर पाते हैं। हालांकि इनकी अनिर्णय की स्थिति इनकी सबसे बड़ी खामी है, जो अक्सर इनकी देरी के लिए जिम्मेदार होती है और ये नफा नुकसान के बारे में सोचते रह जाते हैं। ये अपनी जिंदगी में हर किसी के लिए भावनात्मक रिश्तों में बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे प्यार हो, सभी में ये इमोशनल रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं। तुला राशि वाले जातक अक्सर विपरीत लिंग यानी कि अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं। अर्थात मतलब लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षित ज्यादा होते हैं ये, और अगर तुला राशि के जातक कोई लड़की है तो ये अक्सर लड़कों के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं और जीवन भर की प्रतिबद्धता के बारे में सावधानी से सोच कर ही ये आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वाले जातकों की अक्सर मित्रता वाली राशियां मिथुन, वृषभ, कन्या, मकर, कुंभ, इस राशि के जातकों के साथ इनकी मित्रता अक्सर हो जाती है। तुला राशि वाले जातकों के सामान्य शारीरिक लक्षण ऐसे होते हैं, इनके दांतों के बीच खाली जगह ज्यादा होती है, मस्तक इनका उठा हुआ होता है हमेशा। न्याय करने में ये बहुत ही निपुण होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस परिस्थिति से किस तरीके से निपटना है, और कहीं भी न्याय या अन्याय के बीच असमंजस्यता आ रही होती है तो ये अपनी बेहतर दिमागी स्किल के चलते न्याय कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली दिन शुक्रवार होता है और इनका लकी नंबर 6 होता है। तुला राशि वाले लोग बाग अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ये अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ चीट नहीं करते हैं। दगा, धोखा, अन्याय, पाप, झूठ, इन चीजों से ये जिंदगी में हमेशा दूर रहते हैं। ये जिस किसी भी शख्स के साथ लव रिलेशनशिप में रहते हैं, प्रेम प्रेमिका के साथ, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, ये कभी किसी के साथ बेवफाई या धोखा नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ सामान्य बातें रही तुला राशि वाले जातकों के बारे में, और आइए अब बात करते हैं राशिफल 2023 कैसा रहेगा तुला राशि वाले जातकों का। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी, व्यवसाय और धन संपत्ति के लिहाज से अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए कार्य और व्यवसाय के लिए ये साल औसत फल देने वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने कार्यों को पूरा करने में काफी कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि शनि और केतु दोनों सातवें घर में राहु को देखते हैं। इस साल आपके गुप्त शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए यही सलाह रहेगी कि किसी पर विश्वास करने के बजाय खुद की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर विश्वास रखते हुए अपने काम में लगे रहें। जो
2000 तक नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में इस साल मान सम्मान मिलेगा। अप्रैल महीने के बाद शनि की दृष्टि सप्तम भाव में बृहस्पति पर होगी और उस समय आपको अपने पैसे से अच्छा लाभ होगा। आय के नए स्रोत प्राप्त होने की भी संभावना है। यदि साल 2023 की शुरुआत में आप अपने हाथ में कोई नया काम लेते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। इस साल आपको अपने से अधिक अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्तियों से सहयोग भी मिलेगा जो आपके कार्यों से अधिक लाभ के लिए एक संकेत प्रदान करता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इच्छित लाभ प्राप्त होगा और साथी के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। आप किसी मित्र या जीवन साथी के माध्यम से भी इस साल धन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं परिवार और समाज फैमिली एंड सोशल लाइफ के बारे में। साल 2023 आपका कैसा रहेगा? तुला राशि के लोगों के पारिवारिक मामलों के लिए ये साल अनुकूल रहेगा। द्वितीय भाव पर बृहस्पति और शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव के कारण आपके घर में एक आनंदमय और संतुष्ट पारिवारिक वातावरण बना रहेगा। इस साल शादी या बच्चे के जन्म के कारण आपके परिवार में एक नया सदस्य भी जुड़ जाएगा। वर्ष की शुरुआत में किसी शुभ समारोह के भी संकेत दिख रहे हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए अप्रैल के बाद का समय अधिक शुभता की ओर मुड़ रहा है। यदि आप अविवाहित हैं तो इस अवधि में आपका विवाह संपन्न हो सकता है अप्रैल के बाद 2023 में, है ना। साल भर आप अपने दोस्तों या जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेंगे। आपको अपने भाइयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी सामाजिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तृतीय भाव पर है जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए तुला भविष्यफल 2023 में बच्चों की दृष्टि से ये साल अधिक आयु के लोगों के लिए अधिक फल देने वाला है। गुरु का छठे भाव में गोचर करना संतान पक्ष के लिए अनुकूल नहीं है। साल की शुरुआत में आप अपने बच्चों को लेकर ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। इस दौरान उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है जो उनकी शिक्षा पर भी असर डाल सकता है। लेकिन अप्रैल महीने के बाद समयावधि सकारात्मकता की ओर रुख लेगी, यानी कि अप्रैल के बाद बच्चों के लिहाज से आपकी जिंदगी में अच्छा समय शुरू हो जाएगा। आपके दूसरे बच्चे के लिए समय अवधि अनुकूल रहेगी, उसे अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। यदि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तैयारी कर रहा है तो किसी उच्च प्रोफाइल संस्थान में उसको प्रवेश भी मिल सकता है। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य उम्र में चल रहा है तो साल 2023 में उनकी शादी भी हो सकती है। आइए अब बात करते हैं दोस्तों विवाह और प्रेम संबंधों के लिहाज से तुला राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2023 कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक हमेशा प्यार और रोमांस में रुचि रखते हैं, लेकिन इस साल सामान्य से थोड़ा कम इन बातों की ओर आपका झुकाव रहेगा। आपका सातवां घर इस साल सत्ता का घर नहीं है, जिसके कारण आपको प्रेम में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। लेकिन आपके पास इस क्षेत्र को अपनी इच्छा अनुसार आकार देने का अवसर भी होगा, मतलब आप अपने लव को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढाल पाएंगे। आपका ग्यारहवां घर जो मित्रता का घर होता है वो भी इस साल खाली है। इस दौरान केवल अल्पकालिक ग्रह ही गुजरेंगे। ये स्थिति वर्ष भर यही दर्शाती है कि सब कुछ ठीक है और दोस्ती भी जिनसे आपकी पहले थी वो वैसे ही बनी रहेगी इस साल भी। मंगल आपका प्रेम ग्रह और वह आने वाले वर्ष में आपकी राशि फल की 12 राशियों और भावों में से 9 राशियों में भ्रमण करेगा। वह किसी भी राशि या भाव में अधिक देर तक नहीं रुकेगा। इससे पता चलता है कि इस साल आपके जीवन में कई रोमांटिक मौके आएंगे। कई तरह से प्यार में जरूरतें और नजरिया समय समय पर आप खुद भी बदलते रहेंगे। अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण वर्तमान विवाह या रिश्ते की परीक्षा लेगा, लेकिन यह सभी तुला राशि वालों को प्रभावित नहीं करेगा। तो कुछ यूं रहेगा आपका लव लाइफ वाला बेटर साल 2023 में। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य हेल्थ के दृष्टिकोण से आपका साल कैसा जाएगा। स्वास्थ्य के मामलों में तुला राशि वालों के लिए साल की शुरुआत में मध्यम प्रभाव रहेगा। छठे भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानियां भी दे सकता है, ऐसे में सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि आप पहले से किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो बहुत सतर्क रहें। लग्न में राहु की केतु पर दृष्टि अचानक से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी खड़ी कर सकती हैं। साल की शुरुआत में आपको बीमारी का एहसास हो सकता है, हालांकि चिकित्सकीय रूप से आप फिट रहेंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेगा, तब से आपके स्वास्थ्य में धीमी गति से सुधार होगा। आप में पवित्र विचार विकसित होंगे क्योंकि बृहस्पति लग्न पर दृष्टि रखता है। प्रत्येक कार्य को नवीन और रचनात्मक तरीके से पूरा किया जाएगा। आप अपनी भोजन की आदतों को थोड़ा सुधारें और व्यायाम करें, थोड़ा योगा करें, एक्सरसाइज करें तो आपकी जिंदगी में साल 2023 में आप फिट रहेंगे। आइए अब बात करते हैं शिक्षा और करियर के हिसाब से। तुला राशि के जो वे जातक जो पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। इस साल आपका एवरेज रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको थोड़े बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन सफल आप जरूर हो सकेंगे। समय अवधि उन लोगों के लिए अनुकूल है जो घर या विदेश से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। उन लोगों के लिए साल 2023 बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने का इरादा रखते हैं तो अप्रैल महीने के बाद का समय अनुकूल रहेगा और आपकी सफलता की भरपूर संभावना बन रही है। यदि आप व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की राह पर हैं तो तुला राशि फल 2023 में सफलता आपका इंतजार कर रही है, यूं समझिए। आइए अब बात करते हैं यात्रा और स्थानांतरण के लिहाज से। तुला राशि वालों के लिए यात्रा की दृष्टि से ये साल बड़े पैमाने पर शुभ रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु की 12वें भाव पर दृष्टि आपके लिए विदेश यात्रा की शुरुआत भी कर सकती है। राहु और केतु के प्रभाव के कारण आप छोटी यात्राओं के साथ लंबी यात्राएं भी करेंगे। इस साल आपकी अधिकांश यात्राएं अचानक होगी। अप्रैल महीने के
के बाद सप्तम भाव में बृहस्पति आपके व्यवसाय और व्यवसाय से संबंधित यात्राओं को भी प्रेरित करेगा, यानी कि आप अपने बिजनेस से संबंधित टूर भी इस साल खूब करेंगे, है ना। तो ये रहा साल 2023 का राशिफल तुला राशि वालों के लिए एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप। और आप कौन से नाम का राशिफल जानना चाहते हैं 2023 के लिए मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उन नाम के लोगों का राशिफल भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और हां, राशिफल के साथ मैं आपको एक और मन की दिल की बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि ये एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी कि ज्योतिष विज्ञान पर बेस्ड होरोस्कोप है। कई लोग तो इनमें विश्वास भी नहीं करते और कई करते भी हैं। और ये बात काफी सही है कि हम प्रकृति के नियमों को तोड़कर भविष्य में नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं भविष्य को। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष साइंस के मुताबिक हम थोड़ा सा एक प्रिडिक्शन, संभावित नजरिया देख सकते हैं, एक झलक देख सकते हैं कि हमारा भविष्यफल आगे रास्ते कैसे होंगे, मुश्किलों भरे होंगे या आसान होंगे, या हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी सफलता के योग अच्छे रहेंगे। यही राशिफल का मकसद होता है। और उम्मीद है कि इस राशिफल से आप थोड़ी प्रेरणा प्राप्त करेंगे और नए जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी में साल 2023 में आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी रिजल्ट हासिल करने के लिए एक्शन लेना जरूरी होता है, और इसी तरह से सफलता पाने के लिए भी आपको मेहनत करनी होगी। लगन के साथ अपने लक्ष्य की शुरुआत करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना होगा। केवल एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप के भरोसे जिंदगी में ना बैठें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें भी तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।